क्या हो गया है भारतीय कुश्ती के इन अखाड़ों को, जहां पहलवान अखाड़े में पसीना बहाया करते थे, आज खून बहा रहे हैं। किसकी नज़र लग गई है इन कुश्ती के अखाड़ों को, जहां पहलवान दाव पेच लगाया करते थे, आज आपस में गोलियां और डंडे चला रहे हैं। जी हां, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते 4 मई को दिल्ली के टाउन हॉल एरिया में छात्रसाल स्टेडियम के पास पहलवान सागर धनखड़ की पिटाई के बाद हत्या हो गई। 23 वर्षीय सागर धनखर हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले थे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सागर धनखर दिल्ली के टाउन हॉल एरिया में स्थित छात्रसाल स्टेडियम में कुश्ती के दाव पे सीखा करते थे और बगल में ही किराए के मकान में रहते थे। जिस मकान को खाली करने को लेकर दो गुटों में आपसी विवाद हो गया और उसी विवाद में सागर धनखर की हत्या हो गई। इस हत्याकांड में मामला तूल तब पकड़ने लगा जब 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान सुशील कुमार का नाम सामने आया। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार, चाहे वो लंदन ओलंपिक हो या बीजिंग ओलंपिक, भारत के लिए लगातार 2 बार ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। और चाहे वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह, या भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हो या डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम, उनके हाथों से सम्मान पा चुके पहलवान सुशील कुमार पर क्या मर्डर केस में नाम आना सही है या गलत, इसकी जानकारी पुलिस की जांच के बाद पता चले। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहलवान सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है, जिससे कि वो देश छोड़कर कहीं अन्य ना जा सके। इस मर्डर केस में सुशील कुमार के बहुत ही करीबी पहलवान भूरा पहलवान की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जिसने पुलिस को यह जानकारी दी कि ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार ने उसे हरिद्वार छोड़ने के लिए कहा और वह ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को हरिद्वार छोड़कर चला आया है। पुलिस अभी भी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की खोज कर रही है, लेकिन उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। क्या सुशील कुमार इस हत्याकांड में हाथ हो सकता है या फिर कोई अन्य कारण है? देखते रहिए हमारा चैनल टोटल देसी धमाल कुश्ती से हर जुड़ी न्यूज़ पाने के लिए। तो अभी इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और आगे की जानकारी के लिए इंतज़ार करें। इस केस में कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको तुरंत सबसे पहले खबर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।